योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, ये काले कोट पहनने वाले लोग हैं, ये न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, ये पीड़ितों को अदालतों में न्याय दिलाने वाले लोग हैं। अगर इनके काले कोट पे लाठी चलाने का काम करोगे आदित्यनाथ जी, तो तुम्हारे चेहरे को काला करने का काम ये वकील करेंगे। जब न्यायालय सुरक्षित नहीं है, अदालतें सुरक्षित नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर पे बैठ के घूमने से काम नहीं चलेगा बाबा जी। हमने कहा अडानी के करप्शन से ध्यान हटाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो। हापुड़ में हुए जुर्म की आवाज देश की संसद में गूंजेगी, ये मैं आपसे कह के जा रहा हूं, अगर मुझे बहाल कर दिया। और सड़क हो या संसद हो, जहां कहीं भी अत्याचार है, जहां कहीं भी जुल्म है, जहां कहीं भी जाति है, मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ आवाज से आवाज मिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, उसमें कभी पीछे नहीं रहता। और इसी के कारण मणिपुर में जहां 4 महीने से हिंसा चल रही है, संसद का सत्र चल रहा था, मैंने सरकार से कहा मणिपुर की हिंसा पे चर्चा कराओ, एक दिन बात नहीं सुनी गई, दूसरे दिन फिर कहा सरकार से चर्चा कराओ, दूसरे दिन बात नहीं सुनी गई, तीसरे दिन फिर कहा चर्चा कराओ, बात नहीं सुनी गई, तो मैं संसद के अंदर बेल में घुस गया, सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगा, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। मैंने कहा तुम एक नहीं 1000 बार सस्पेंड करो, अन्याय के जुल्म के जाति के खिलाफ बोलता रहूंगा। और क्या हुआ हापुड़ में, एक महिला अधिवक्ता को पुलिस के लोग परेशान करते हैं, आक्रोश में आके वो महिला पुलिस वाले के साथ बातचीत करती है, कुछ कहा सुनी होती है, उसके बाद अधिवक्ताओं पे लाठी चार्ज, मार मार के उनको घायल कर दिया गया, 20 से 25 अधिवक्ता, 30 अधिवक्ता गंभीर रूप से हापुड़ में घायल कर दिए गए। और जब हापुड़ में आपके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, तो पूरे उत्तर प्रदेश के अदालतों में, न्यायालयों में आपके भाइयों ने आंदोलन किया, उन पे भी FIR किया गया, उन पे भी लाठियां चलाई गई, उन पे भी जुर्म किया गया। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, ये काले कोट पहनने वाले लोग हैं, ये न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, ये पीड़ितों को अदालतों में न्याय दिलाने वाले लोग हैं। अगर इनके काले कोट पे लाठी चलाने का काम करोगे आदित्यनाथ जी, तो तुम्हारे चेहरे को काला करने का काम ये वकील करेंगे। इसलिए काले कोट से टकराने का काम मत करना और इतिहास उठा के पढ़ लेना। इस देश के अंदर जब जब जुर्म हुआ, जाति हुई, आजादी के पहले हो या आजादी के बाद, आपातकाल का समय हो या उससे पहले आजादी का आंदोलन हो, इस देश के अधिवक्ताओं ने, वकीलों ने, न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने अपना सीना आगे रखकर जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है। बड़ी अजीब बात है, पुलिस वाला लाठी चार्ज करे किसी आम आदमी पे, गांव में कोई जमीन का मसला हो जाए, कोई इलाके का गुंडा किसी को परेशान करे, कहीं कोई आदमी किसी की हत्या हो जाए, किसी महिला के साथ बलात्कार की घटना हो जाए, तो न्याय के लिए न्यायालय आते हैं, वकीलों के पास आते हैं, आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं वकील साहब पुलिस वालों ने हमें मारा है, हमको अदालत से न्याय दिला दो। लेकिन आदित्यनाथ जी की सरकार में जो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो न्याय दिलाने वाले लोग हैं, अब अगर उनके ऊपर ही लाठी चार्ज हो रहा है, तो बताओ योगी जी हम लोग कहां जाए न्याय के लिए, किसके सामने बात करें। आप यही बगल में गाजियाबाद में देखिए, तहसील के बाहर के अंदर एक अधिवक्ता की हत्या हो जाती है। 2-3 महीने पहले
एक संजीव महेश्वरी जीवा करके है, उसकी अदालत के अंदर हत्या हो जाती है। जब न्यायालय सुरक्षित नहीं है, अदालतें सुरक्षित नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर पे बैठ के घूमने से काम नहीं चलेगा बाबा जी। ये बुलडोजर का आतंक दिखा दिखा के टीआरपी अपनी बहाने से काम नहीं चलेगा। आपको न्याय क्या है? थाने में क्या न्याय मिलता है पीड़ित को? एफआईआर लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती, इसको देखना पड़ेगा। हमने तो बहुत लड़ाई लड़ी इस सरकार के खिलाफ, और पिछली बार विधानसभा के चुनाव के पहले 23 मुकदमे लिखा बाबा जी ने मेरे खिलाफ, 23 मुकदमे। एक दिन में 9 एफआईआर मेरे खिलाफ लिखा, 9 एफआईआर। मैंने कहा 1700 थाने हैं आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर, 1700 थाने हैं, 1700 के 1700 थानों में एफआईआर लिखो, चिंता करने की बात नहीं है, लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। केंद्र में बैठे हैं मोदी जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं, कहते हैं वोट दे दो डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, वोट दे दो डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के वकीलों पे जो जुल्म हुआ है, हापुड़ में जो वकीलों के ऊपर लाठियां चलाई गई हैं, उनको लहूलुहान किया गया है, उनका खून यहाँ की सड़कों पे बिठा पाया गया है, उनके साथ बातचीत करके उनको न्याय दिलाओ, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, न्याय वकीलों को मिलना चाहिए। पार्लियामेंट का सेशन 18 तारीख से शुरू हो रहा है, अब वो भी किस बात के लिए कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, हमने कहा अडानी के करप्शन से ध्यान हटाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो। आज सब कुछ आकाश से लेकर पाताल तक देश के लिए प्रधानमंत्री नहीं अपने दोस्त के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमको इन सरकारों से लड़ना पड़ेगा, इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। मोदी हो या योगी हो, वकीलों को न्याय मिलना चाहिए। वकीलों के साथ जो जुल्म हुआ है, जिन पुलिस वालों ने गुंडागर्दी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एसएचओ यहां का बताते हैं, वो हमारे कोई बार के पदाधिकारी है, मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे जानकारी दी गई, पूर्व अध्यक्ष बार के पूर्व अध्यक्ष के साथ बदतमीजी करता है, यहां का सीओ लाठीचार्ज कराता है, यहां के पुलिस वाले अधिवक्ताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं। मैं पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूं, वर्दी की गर्मी ज्यादा दिन चलती नहीं है, वर्दी की गर्मी ज्यादा मत दिखाओ, वर्दी की गर्मी ज्यादा दिन मत दिखाओ। सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, बहुत सारी सरकारों को जनता ने उखाड़ के फेंका है, ये खाकी वर्दी की गर्मी दिखाने का काम मत करो। और ये तो वैसे भी वकील हैं, यहां की अदालतों में बड़े बड़े एसपी डीएम को ठीक कर दिया इन्होंने, बड़े बड़े एसएचओ, बड़े बड़े सीओ को ठीक कर दिया है। ठीक कर दिया का मतलब मारपीट मत समझना, आमतौर पे ठीक कर दिया का मतलब मारपीट समझते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे अत्याचार, तुम्हारे जुर्म, तुम्हारी नाइंसाफी के खिलाफ इन वकील भाइयों ने अदालतों में पीड़ितों को न्याय दिलाया है, और चाहे एसएचओ हो, चाहे सीओ हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, उनको समय समय पे सजा दिलाने का भी काम किया है। और आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार से मैं कहना चाहता हूं, ये एसआईटी मत खेलो। वकील भाई यहां पे हैं, सारे अधिवक्ता भाई हमारे, इस सरकार को जहां फंसना होता है, जहां सरकार फंसती है, कहते हैं एसआईटी बना देंगे। जल जीवन मिशन का घोटाला हुआ,
कहते हैं एसआईटी बना देंगे, बेरोजगारों के साथ घोटाला हुआ कहते हैं एसआईटी बना देंगे, बिकरू कांड हुआ कहते हैं एसआईटी बना देंगे, हाथरस कांड हुआ कहते हैं एसआईटी बना देंगे, हापुड़ कांड हुआ कहते हैं एसआईटी बना देंगे। हमें एसआईटी नहीं चाहिए, हमें सस्पेंशन चाहिए उन लोगों का जिन्होंने अत्याचार किया। गलत तो नहीं कह रहा हूं, आपको एसआईटी पे भरोसा है क्या? एसआईटी पे भरोसा है? तो जिन लोगों ने जुल्म किया है, जाति की है, लाठियां चलाई है, कोई प्रमाण की जरूरत है क्या भाई? वीडियो है ना सबका, सारे पुलिस वाले दिख रहे हैं ना, क्या उनको लाठी चलाने का अधिकार है? तो जब तस्वीर मौजूद, वीडियो मौजूद, लाठी चलाता हुआ पुलिस का जवान मौजूद, पुलिस के अधिकारी मौजूद, पुलिस के एसएचओ मौजूद, सीओ मौजूद, तो कार्रवाई के लिए एसआईटी नहीं, सबको बिठाओ, अधिवक्ताओं से बात करो और उनका सस्पेंशन ऑर्डर रिलीज करो। गलत तो नहीं कह रहा हूं, यही डिमांड है ना आपकी, यही डिमांड है आपकी। इस डिमांड के साथ मैं, मेरी पार्टी तन मन धन से, हम सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। अभी तो मैं सस्पेंड चल रहा हूं, लेकिन अगर 18 तारीख के पहले इन्होंने बहाल कर दिया, हो सकता है अब ये मीडिया में बाइट चल जाएगी तो बहाल भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर बहाल कर दिया तो हापुड़ में हुए जुल्म की आवाज देश की संसद में आपको गूंजती है। ये मैं आपसे कह के जा रहा हूं, हापुड़ में हुए जुल्म की आवाज देश की संसद में गूंजेगी, ये मैं आपसे कह के जा रहा हूं, अगर मुझे बहाल कर दिया। और अगर नहीं बहाल किया तो हमारे 10 सांसद हैं, 2 हम लोग सस्पेंड हो चुके हैं, 8 बचे हुए हैं, आप चिंता मत कीजिएगा, किसी न किसी के माध्यम से आपकी आवाज पार्लियामेंट में जरूर उठाने का काम करूंगा। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इतना सम्मान दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।